हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल केएफसी की तरह चिकन पकौड़ा। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी का वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, यहाँ पर मैंने चिकन के पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो लेग पीस का भी यूज कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे दही, इसमें डाल देंगे 3 चम्मच दही। आप चाहे तो दही की जगह आप छाछ या फिर बटर मिल्क भी यूज कर सकते हैं। इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे और इसे मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास समय कम है तो आप 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जितना कॉर्नफ्लोर है उतना ही मैदा डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, ऐड करेंगे क्यूमिन पाउडर, इसे मिक्स कर देंगे। इसे 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। इसे मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। एक भाग में डाल देंगे कॉर्नफ्लेक्स, इसे हाथों से क्रश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 बाउल लिया था कॉर्नफ्लेक्स, सभी को इसमें डाल दिया है मैंने। इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिया है, इसमें डालेंगे सॉल्ट और इसे मिक्स कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। एक एक चिकन के पीसेस को लेंगे और यहाँ पे मैं इसे कोट कर लेंगे। इसे अच्छे से कोटिंग करें। इसी तरह से आप बाकी के पीसेस को भी इस तरह से कोट कर लें। इसे अब अंडे में डिप करेंगे। इसे वापस से मैदे में कोटिंग करेंगे। इसे आप प्रेस करते हुए अच्छे से कोटिंग कर लें। ये रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकियों को भी रेडी कर लें।
इसे भी प्रेस करते हुए रेडी कर लें। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें फ्राई कर लेंगे। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। आप इसे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें। ये फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल देंगे, बाकियों को भी इसी तरह से तल लेंगे। चिकन पकौड़ा रेडी है और आप इसे घर में ही कम समय में बना के रेडी कर सकते हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।